तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जल्दी जल्दी मैं उठा और मैं चला गया रूहान को लेने, क्योंकि वो कुरान पढ़ने गया था। वो मुझे रास्ते में मिल गया। उसके बाद मैं सौदे लेने चला गया, क्योंकि ये सौदे भी तो बहुत ज़रूरी थे। मैंने सर्फ एक्सेल लिया और ये सौदे आप देख सकते हैं, जो कि माचिस वगैरह थे। उसके बाद ये रूहान ठहरा था भाई के साथ और मैंने इसे कहा कि टंगो भाई, ये बिल्कुल सुस्त था। उसके बाद भाई मैंने खुद इधर जो सौदे वगैरह थे वो सौदे वाले शॉपर को लटका दिया। वो लटकाने के बाद हम लोग बाइक पर बैठे और बाइक पर बैठने के बाद हम लोग रवाना हो गए। रवाना होते ही यार मुझे याद आया कि मेरा केक भी था, और जैसे ही मैं चला गया फ्रिज को खोला और केक को मैं निकाल कर बाहर ले आया। और उसके बाद यो जो मेरे पास तीन नमूने हैं, उन तीन नमूनों को भी मैंने बुलाया कि आओ भाई, केक का टाइमिंग आ गया। उसके बाद भाई मैंने जल्दी से केक का ढक्कन उठाया और ढक्कन उठ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ था और वो मुझसे ढक्कन नहीं उठ रहा था। खैर उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके उसको खोला। यार आप इधर देख सकते हैं कि ये कैसे बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मैंने इसके ऊपर उंगली रखी, चेक किया तो ये मतलब कि हार्ड भी था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। खैर उसके बाद भाई मैंने कहा कि क्यों ना इसे प्लेट के अंदर निकाला जाए। मैं प्लेट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार वो तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। खैर फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने वीडियो को ऑफ़ किया और इधर देख सकते हैं मैं इधर मुक्के भी मार रहा था, लेकिन यार वो फिर भी ना प्लेट के अंदर बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। खैर उसके बाद मैंने जैसे तैसे कहा कि उसको प्लेट के अंदर निकाला और इधर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था, बस ये थोड़ा सा जो है ना बुरा बना हुआ था। उसके बाद मैंने छुरी के साथ इसको काटा और ये देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल कट रहा था, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरे मुँह में भी पानी आया हुआ था। उसके बाद मैंने इसको चार हिस्से किए। चार हिस्से करने के बाद मैंने इसको, क्यों मैंने सोचा कि क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए ताकि बना कैसा है। उसके बाद मैंने जैसे ही इसका एक और छोटा सा टुकड़ा काटा, टुकड़ा काटने के बाद मैंने इसको अपने मुंह के अंदर डाला। टुकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैंने उसे छोटा किया। छोटा करने के बाद मैंने जल्दी से उसको अपने मुँह के अंदर डाला, और यार जैसे ही मैंने उसको अपने मुँह के अंदर डाला तो यार चीज़ जो थी ना वो काफ़ी बढ़िया थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। उसके बाद मैंने इस नमूने को भी दिया कि यार तुम भी ट्राई करो कि ये कैसे बना है, तो इसने भी कहा कि बहुत ही मज़े का बना है। उसके बाद मैंने ये दूसरे नमूने को भी दिया और इससे मैंने पूछा तो यार ये भी कह रहे थे कि बहुत ही मज़े का बना है। खैर उसके बाद हम लोगों ने केक खाया, सब घर वालों को दिया। उसके बाद मैं आया, मुझे भूख लगी थी। उसके बाद मैंने जल्दी से सेब खाया, क्योंकि मैंने कहा कि ये दो नमूने ना आ जाएँ क्योंकि इन्होंने फिर मुझसे खा लेना था। खैर उसके बाद मैंने एक चक लगाया, फिर दूसरा चक लगाया, जो कि बहुत ही छोटा केक था और मुझे बहुत मज़ा आया। खैर उसके बाद मुझे घर वालों ने कहा कि जाओ चार्ली के पास चले जाओ, आज हमने उसको अभी उसको रोटी देनी और पता नहीं आज उसकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या चक्कर है। यार मैं इधर से देख रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसको बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें दे रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पहले मैं जब उसको एक आवाज़ देता तो वो भाग कर आता, लेकिन आज मैंने उसको बड़ी आवाज़ें दी लेकिन वो नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने इसको देखा तो यार ये बिल्कुल आवाज़ें नहीं दे रहा था। मुझे शक हुआ कि कहीं ये मर तो नहीं गया। और खैर इधर की वीडियो आप लोग आगे खुद ही देख लें। चार्ली चार्ली शुदा चार्ली 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 ओए ओए चार्ली। उसके बाद मैं स्टिक ले आया ताकि इसको उठाऊं, लेकिन मैंने कहा शायद बेहोश हो, लेकिन जैसे मैं स्टिक लाया ये नहीं उठ रहा। तो इधर आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं रोने वाला था। उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद हमने इसको दफना दिया। चार्ली